सराहना करते हैं। आपका कॉल हमारे ग्राहक सेवा प्रतिनिधि को ट्रांसफर किया जा रहा है, कृपया प्रतीक्षा करें। इस कॉल को क्वालिटी और ट्रेनिंग के उद्देश्यों के लिए रिकॉर्ड किया जा सकता है। गुड आफ्टरनून, वेलकम टू धनी दिस साइड खुशी, हाउ मे आई असिस्ट यू? गुड आफ्टरनून मैम, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ मैम कि जो धनी कार्ड की जो डेली लिमिट होती है वो मेरी ब्लॉक करके और फुल रीपेमेंट क्यों मांगा जा रहा है मुझसे? जी जी, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगी। जानना चाहूंगी आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से कॉल कर रहे हैं? जी जी, मैं बिल्कुल आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगी। मैं डिटेल्स चेक कर लेती हूँ। ओके सर। ओके, मैं जानना चाहूंगी सर, आपने 364 रुपीस का अमाउंट जो था वो मोबीक्विक में ट्रांसफर किया था कार्ड से? जी सर, मैं बताना चाहूंगी जब भी कोई आप अमाउंट जो होता है वो धनीवन फ्रीडम की जो लिमिट होती है वो किसी और अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं सर, लाइक फोन पे, गूगल पे या फिर किसी भी अनदर ऐप में आप अपना जो अमाउंट है वो ट्रांसफर करते हैं, तो इसकी वजह से आपकी जो लिमिट होती है वो फ्रीज हो जाती है क्योंकि आपका ये अनऑथराइज ट्रांजेक्शन होता नहीं है। तो इसका मतलब मैंने इसे कॉम पेरीफाई नाम के एप्लीकेशन से रिचार्ज किया था, तब तो नहीं हुआ ऐसा? वो भी तो अदर एप्लीकेशन ही है सर। वो अदर एप्लीकेशन है, कुछ हमारे ब्लॉक्ड एप्लीकेशन होती हैं जैसे कि उनमें आपको ट्रांसफर नहीं करना होता है। तो ये कॉम पेरीफाई का जो एप्लीकेशन है वो ब्लॉक्ड नहीं है क्या सर? किस डेट पर किया था आपने कॉम पेरीफाई पे? करेक्ट डेट तो याद नहीं है मुझे, लेकिन ज्यादातर ट्रांजेक्शन उसी ऐप से हुआ था मेरा। जी जी, बट आपका रिसेंटली जो हुआ था 13 जनवरी को हुआ था मोबीक्विक में। जी, तो मैडम मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, कोई बात नहीं आपने ब्लॉक कर दिया अनऑथराइज एप्लीकेशन बता के, आपका जो धनी एप्लीकेशन है इसी में एक उसी के अंदर एक धनी स्टॉक के नाम से एक ऑप्शन दिया हुआ है उसमें, राइट? जी, अगर हम धनी स्टॉक को हम ओपन कर लेते हैं, उसके अकाउंट को ओपन कर लेते हैं, तो ओपन करने के बाद में क्या उसमें पैसे ऐड कर सकते हैं हम धनी कार्ड के माध्यम से? सर धनीवन फ्रीडम की जो लिमिट है सर उसे आप किसी भी उसमें ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं सर। नहीं नहीं, धनी स्टॉक जो आपने एप्लीकेशन दे रखा है इसी के अंदर आपके धनी कार्ड में ही, जो धनीवन फ्रीडम कार्ड का जो है उसी में धनी स्टॉक का एप्लीकेशन दे रहा है, तो उसमें तो फंड ऐड कर सकते हैं ना इसके द्वारा? जी मैं डिटेल्स चेक कर लेती हूँ। जी चेक करके बताइए। जी धनी दोस्त में सर। जी स्टॉक हाँ हाँ स्टॉक में। ओके, जानकारी के लिए कॉल को एक मिनट के लिए होल्ड पर रख सकते हैं? जी श्योर, थैंक यू सो मच सर। लाइन पे बने रहने के लिए धन्यवाद सर। जी सर, मैं बताना चाहूंगी आप उस अमाउंट को ऐड नहीं कर सकते हैं उसमें अमाउंट। ओके सर, इसके अलावा कोई और सहायता? मैडम धनी स्टॉक तो आप ही ने उसी एप्लीकेशन में धनी कार्ड ने अवेलेबल करा रखा है, तो उसमें ऐड नहीं कर सकते क्या पैसे? उसमें तो दे रखा है कि आप उसमें तो दे रखा है कि अनलिमिटेड उसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं धनी कार्ड के द्वारा। नो सर, बट अभी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है इसलिए आप ऐड नहीं कर सकते। ओके सर, तो फिर वो तो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। नहीं तो फिर उसका फायदा क्या है? आप धनी कार्ड में उसमें दे रखे हो, अमेजन दे रखे हो, फ्लिपकार्ट दे रखे हो और वो स्टॉक दे रखे हो, तो अमेजन फ्लिपकार्ट से जब उसमें परचेज कर सकते हैं तो धनी स्टॉक में क्यों नहीं परचेज कर सकते? सर अभी अवेलेबिलिटी नहीं है, जैसी अवेलेबिलिटी होगी आपको इन्फॉर्मेशन रिसीव हो जाएगी। इसके अलावा कोई और हेल्प कर सकती हूँ आपकी?
मैडम फिर ये काम क्या आएगा मुझे ये बताओ, ये धनी कार्ड जो है ये क्या काम का है फिर मुझे ये बताओ ना आप। आप बिल पेमेंट कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, धनी से शॉपिंग कर सकते हैं, हाँ, टिकट बुक कर सकते हैं, हाँ, अपने फ्रेंड को रेफर कर सकते हैं जिससे आपको अमाउंट रिसीव होगा, कैशबैक रिसीव होता है, जब भी आपके रेफरी होंगे वो उस अकाउंट को यूज करेंगे, इससे ट्रांजैक्शन करेंगे। धनी स्टॉक आप ही का एप्लीकेशन है ना? जी सर, बट अवेलेबिलिटी नहीं है अभी सर। तो क्या अवेलेबिलिटी है फिर, क्यों जब आपने ये जब एक्टिवेट किए तो बहुत बोल रहे थे कि आप इसमें ये कर लेना वो कर लेना ईएमआई कर लेना, अभी एक ही बार में आपने डेली लिमिट भी अचानक से ब्लॉक कर दी और उसके बाद में बोल रहे फुल रिपेमेंट करो, ये कौन सा आपका टर्म्स एंड कंडीशन है भी कि नहीं आपकी इस कंपनी के? अवैध कौन सा हो गया, कोई हम फर्जीवाड़ा कर रहे हैं क्या कि अवैध ट्रांजेक्शन कर रहे हो आप, अवैध क्यों हो गया वो? समझ पा रही हूँ। अगर ये कोई जरूरी तो नहीं है ना कि आप ही की जो धनी एप्लीकेशन है उसी से शॉपिंग करें, किसी अदर एप्लीकेशन से शॉपिंग भी नहीं कर सकते? नो सर, अलाउ नहीं है सर। फिर क्या फायदा है इसका, तब बोल रहे थे तब तो इसमें ऐसा कोई टर्म एंड कंडीशन है नहीं, आप टर्म एंड कंडीशन अपने बनाते हैं उसके बाद में नोटिफिकेशन भी नहीं देते कस्टमर को कि ये नोटिफिकेशन है हमारे। कम से कम आप टर्म, मेरी बात सुनिए, कम से कम आप टर्म एंड कंडीशन चेंज करते हैं तो कम से कम कस्टमर को नोटिफिकेशन तो देना चाहिए ना कि ये हमारे टर्म एंड कंडीशन है और ये हम चेंज कर रहे हैं, अचानक से किसी की भी डेली लिमिट को आप ब्लॉक कर देते हो। मान लीजिए आपकी दैनिक जरूरतें हैं, रोज आप धनी कार्ड से 100 रुपए 50 रुपए 200 रुपए का दैनिक जरूरत के अनुसार खर्चा कर रहे हैं और अचानक से उसकी डेली लिमिट ब्लॉक करके बोलते हैं कि आप फुल रिपेमेंट करिए, कैसे संभव हो सकता है? समझ पा रही हूँ, बट आपको पेमेंट करना पड़ेगा। मैं इसके अलावा कोई और सहायता हमारी साइड से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी गई है, इसके अलावा कोई और हेल्प कर सकती हूँ सर? फुल रिपेमेंट करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने 3 महीने में ईएमआई के लिए करना था वैसे भी नहीं कर सकता मैं? नो सर, जब आपका कार्ड एक्टिव होगा तब आप करेंगे, बट अभी आपको फुल पेमेंट करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और अगर मेरी जो ड्यू डेट आती है उसी अनुसार अगर मैं पेमेंट करता हूँ तो? नो सर, नहीं हो पाएगा। तो फिर आपको पेमेंट ही नहीं लेना है क्या सर? एक साथ आपको पेमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका पेंडिंग हो जाएगा सर अमाउंट। तो पेंडिंग कर दीजिए, कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना? लेकिन हम जब फुल पेमेंट के लिए बोल रहे हैं कि आपने अगर टर्म्स एंड कंडीशन अगर चेंज किए हैं तो कम से कम हमें नोटिफिकेशन भेजना चाहिए ना, तो हम क्यों फुल रिपेमेंट करेंगे आपको? सर मैंने आपको पूरी कंडीशंस बता दी है, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू सर, आपका पेमेंट करते हैं कितना पेमेंट करते हैं, इसके अलावा कोई और हेल्प दे सकती हूँ आपको? मैं हेल्प ही तो मांग रहा हूँ मैम आपसे, यही तो पूछ रहा हूँ ना कि आप टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करते हैं तो आप जानकारी क्यों नहीं देते उसकी? सर आपको इन्फॉर्मेशन पहले भी बताई गई होगी कि आप कोई भी अनऑथराइज ट्रांजेक्शन नहीं? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बताई गई इस प्रकार की पहले, ना ही कोई नोटिफिकेशन दिया गया इस प्रकार का, ना कोई मेल भेजा गया आपकी तरफ से। तो मैं उसके लिए माफी मांगने से क्या होता है मैम, आप तो आपने तो बोल दिया कि माफी चाहूंगी, माफी मांगने से क्या होता है? आप अपने टर्म्स एंड कंडीशन अगर चेंज करते हैं, पूरी कंडीशंस बता दी हैं आपको मैंने। ओके सर, आपको इन्फॉर्मेशन बता दी गई है कि आप कोई भी अनऑथराइज ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। मैं सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन आपसे चाहता हूँ कि आपने इस संबंध में ना ही कोई नोटिफिकेशन दिया ना ही कोई मेल किया कि हमारे टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो गए हैं, आप किसी भी अनऑथराइज एप्लीकेशन पे शॉपिंग नहीं कर सकते, हमें कैसे पता लगेगा कि ये आप लोग जो है इन एप्लीकेशन को अनऑथराइज मानते हैं, कैसे मालूम लगेगा हमें? सर मैं आपको कंडीशन बता देती हूँ, आप अपना धनीवन फ्रीडम का कार्ड अमाउंट जो है वो किसी भी अनदर ऐप में यूज नहीं कर सकते। वो तो आप बता रहे हैं ना आप, वो तो आप बता रहे हैं ना आप, जब ब्लॉक हो गया और फुल रिपेमेंट मांग रहे हैं तब बता रहे हैं ना आप, ये जानकारी तो आपको कस्टमर को पहले देनी चाहिए ना। सर मैंने आपको अभी बता दिया, मे बी नहीं अभी बता दिया मतलब क्या है, अभी तो फुल रिपेमेंट मांग रहे हो ना आप, मेरी डेली लिमिट है वो एक्टिव कर दीजिए फिर, अगर आप अभी बता रहे हैं तो वापस से कर दीजिए, फुल रिपेमेंट मत करिए। जब आपकी सर मेरी पॉलिसी होती तो डेफिनेटली मैं आपको नहीं, आई नो दैट कि तुम्हारी पॉलिसी है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी से जब चाहे जब पॉलिसी, आपने मुझे जब मैंने ये धनी कार्ड एक्टिवेट किया था उससे पहले तो ये पॉलिसी नहीं थी, उसके बाद में आपने ये पॉलिसी ऐड करी थी। राइट नाउ क्या हेल्प कर सकती हूँ बता सकते? राइट नाउ ये हेल्प कर सकती है कि मैं फुल रिपेमेंट किसी भी कंडीशन में नहीं करने वाला हूँ, आप जैसा मेरे को 3 EMI के लिए एक्टिवेट किया था उसी करना है, आप करिए, आपको नहीं करना है आप मत करिए, आपको हमारे एंड से जो इन्फॉर्मेशन देनी थी वो मैंने आपको बता दी कि आपका इतना अमाउंट पे, आपको कैसे पे करना है, अगर आप पे नहीं करते हैं तो आपका क्या हो आगे हो सकता है। ये हेल्पलाइन किस लिए बनी है? नहीं ये हेल्पलाइन किस लिए बनी है सर? मैं आपको सेम इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ मैं, तो आप मेरा मेरी मेरी कंप्लेंट लिखिए ना, आप मेरी कंप्लेंट फॉरवर्ड कीजिए ना आगे, अगर आपके बस की बात नहीं है तो फॉरवर्ड कीजिए ना, शेयर करूंगी क्या मैं आपका बिल्कुल फीडबैक शेयर करूंगी अपनी टीम के साथ कि आपको टर्म्स कंडीशन शेयर की जाए। ओके तो कंप्लेन नंबर तो दीजिए मुझे, आपने कंप्लेन लिखी या आगे फॉरवर्ड की, कैसे पता लगेगा मुझे?
आपका कोई अमाउंट का फ्रॉड नहीं हुआ है जिसकी वजह से आपकी कंप्लेंट रही? फ्रॉड नहीं हुआ है मतलब आप एक साथ फुल रीपेमेंट मांग रहे हैं, फ्रॉड ही तो है और क्या है? बिना कोई नोटिफिकेशन दिए, बिना सूचना दिए आप एक अपने टर्म्स एंड कंडीशन एक आपको टर्म्स एंड कंडीशन हाँ मानता हूँ कि आपकी प्राइवेसी टर्म एंड कंडीशन जो भी है, लेकिन उसकी सूचना देना जरूरी है। जब मैंने एक्टिवेट किया था, जब मैंने इस कार्ड को एक्टिवेट किया था, तब तो ऐसी किसी भी प्रकार की पॉलिसी नहीं थी, लेकिन अब आप बोल रहे हो कि ये पॉलिसी है। सर मैं आपको 3 बार सेम बात रिपीट कर चुकी हूँ, इसके अलावा कोई और हेल्प कर सकती हूँ? मैं ये कहता हूँ आप मुझे मेरी कंप्लेन लिखिए, आगे फॉरवर्ड कीजिए और मुझे उसके कंप्लेन नंबर बताइए। फॉरवर्ड नहीं हो सकती है सर, सॉरी। तो कहाँ करूँ मैं कंप्लेन? support@dhani.com पर आप शेयर कर सकते हैं आपका फीडबैक। ओके सर, फीडबैक नहीं, आप फॉरवर्ड नहीं कर सकते? नो सर, हमारे एंड से नहीं होता है, अगर हो पाता तो डेफिनेटली कर पाती सर। मतलब आप मेल करवाइए, अगर कोई बंदा मेल करना नहीं जानता है तो? मैं आपको प्रोसेस बता देती हूँ, आप अपनी जीमेल खोलिए, वहाँ पर 2 का ऑप्शन आता है, उसमें डालिएगा support@dhani.com और आप नीचे सब्जेक्ट में अपना नंबर, अपना रजिस्टर्ड नाम और अपनी क्वेरी रेज कर दीजिएगा, हमारी टीम आपको विद इन 24 आवर्स। बट मुझे तो इंग्लिश में टॉक करना आता ही नहीं है ना, तो कैसे मैं इंग्लिश में राइट करूंगा? लिख सकते हैं सर, जरूरी नहीं है कि आपको, अगर आपने हिंदी में लिखा है तो आपको रिवर्ट बैक नहीं मिलेगा, आपको कॉल बैक भी रिसीव हो जाएगी। अगर आपको नहीं, अगर आप कहेंगे कि आपको कॉल बैक चाहिए तो आपको कॉल बैक रिसीव हो जाएगी। इतना तो मेंशन कर सकते हैं ना कि आगे से आपके टर्म्स एंड कंडीशन अगर चेंज होते हैं आपकी पॉलिसी के अनुसार तो कस्टमर को? जी, आपको हमारी टीम के साइड से इन्फॉर्मेशन रिसीव हो जाएगी, हमारी टीम आपको रिवर्ट बैक करेंगे विद इन 24 आवर्स में, आप रेज कर सकते हैं। अच्छा ये तो बता दीजिए कि अमेज़न से शॉपिंग कर सकते हैं क्या इस आपके धनी कार्ड से? सर आप अपने ऐप में जाकर अमेज़न सर्च कर सकते हैं, अमेज़न फ्लिपकार्ट सबसे शॉपिंग कर सकते हैं। ओके सर, बट आप धनीवन फ्रीडम की लिमिट किसी और ऐप में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, सिंपल वर्ड्स में। आप बोल रहे हो ऐप में जाके, ऐप में तो आपका स्टॉक नाम का एप्लीकेशन भी दिया हुआ है, उसमें तो आप बोल रहे हो ही नहीं रहा है सर, उसमें आप अमाउंट ऐड नहीं कर सकते हैं। ट्रेडिंग तो कर सकते हैं ना? जी आप कर सकते हैं। तो फिर अभी तो बोल रहे थे आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते उसमें। सर मैंने आपको ये बोला था कि आप अमाउंट ऐड नहीं कर सकते हैं ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग के लिए कोई शेयर, जैसे मान लीजिए मुझे कोई शेयर परचेज करना है तो डायरेक्टली मैं इसे धनी कार्ड से पैसा? अगर अवेलेबिलिटी होगी तो डेफिनेटली आप कर पाएंगे, अगर अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो वहाँ पर आपको शो हो जाएगा। ओके सर, नहीं हम चेक करें, आपको तो पता होगा ना आपके सिस्टम में कि अवेलेबिलिटी है या नहीं है डायरेक्टली स्टॉक या शेयर खरीदने के लिए। सर तो आप, मैं आपको सिंपल बता देती हूँ, आप support@dhani.com पर शेयर। अरे मैडम फिर आप किस लिए बैठे हैं सपोर्ट उस पे पूछेंगे तो मेल करके? मैं आपको सेम इन्फॉर्मेशन अगेन एंड अगेन प्रोवाइड कर रही हूँ, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आप support@dhani.com पर शेयर कीजिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। थैंक यू सर।